और एक बात और बताएं, भागवत में यह भी लिखा है, आपने देखा होगा कुछ कुछ स्त्रियां होती हैं जिनकी मोछे होती हैं, कछ कछ लड़का ऐसे होता है सपा जनका, नाच ले लीप ले रोटी कर ले जनका, देहात में बोली जाते हैं ना, इससे प्रतीक होता है। ये जो जनका होते ना, समझ लो ये पूर्व जन्म में स्त्री था, मगर नेचर से गिरा हुआ कलक टल्लूज मोचे होती हैं, तो समझ लो ये पूर्व जन्म में पुरुष था, इसका नेचर बढ़िया नहीं था, कलक टल्लूज था, पराई बहन बेटियों गंदी नजर से देखने वाला। और जो पत्नी अपने पति को दगा देती है, पति बेचारे नौकरी कर रहे हैं, वो कबड्डी खेलते फिर रही है बाजारों में, तो समझ लो उसका जन्म बिगड़ जाता है, उसका जन्म वो कुतिया बनती है, कुतिया जो अगर जाग रह गई डंडा करने पे लगो सो खाए खाए। और वही पुरुष की हालत होती है जो अपनी पत्नी को दगा देता है, उसे सुअर और कुत्ते का जन्म मिलता है, पर जवानी पे का समझ रहा हुआ है, जबरदस्ती में सको लगे चक्कर में घूम रहा हुआ है, पर समझ ही ना रहा का गेला का होनवार हुए, ऐसा होता है। ये प्रतीक मैं नहीं कह रहा, ये मेरा इतिहास कह रहा है, महाभारत सिकंडी जिसे हिजड़ा बोला जाता है, सिकंडी हिजड़ा नहीं था, नाम लिखना भाई का जो भी है इनके पर्चा लिखो। ये साथी साथ सर्वेश यादव जी मुड़े आई, उनके पुत्र 501 रुपए कल्लन यादव ललित यादव, और 10-10 रुपए से हमारे सभी साथी लोगों को सम्मान कर रही है। प्रेम होना चाहिए तो बंधन प्रेम का होता है। ये शादी हो रही है ना, सात भामरे पड़ती हैं, काजा पे लिखा पड़ते है जाते का जिस जाई की पत्नी है, है? सात फेरा होते हैं, मगर सात फेरा का बंधन होता है, अग्नि का बंधन होता है। और आजकल रिश्ते टूट रहे हैं, वो रिश्ते मजबूत नहीं है, जो रिश्ते टूट रहे हैं वो मजबूत नहीं है। प्रेम जो तुमसो करती है, तुमसे पहले औरत कर फिर तुम पे मरती है। अच्छा तुम सही बताओ, हम कथा कहूं अंत न कही के आवते, तुम्हारे गांव में कथा कह लेते भाई, कथा ही तो अंत कहते, जहां कह रहे हैं वह अंत कहेंगे, कल कल का दिन है, परसों हम फिर कथा में पहुंच जाएंगे, तो विचार करिए। प्रेम जो तुमसे करती है, तुमसे पहले और से कर फिर तुम पे मरती है, अरे छोड़ वो तुम पूजावेगी, तुमसे बढ़िया लाए रसगुल्ला भाया बनावेगी, बचो तुम ऐसी नारी से, नादान मिटे न कलेश प्रेम करके पर नारी से। सुदामा बंधन एक अटूट बंधन होता है। पहले लड़का लड़की की शादी होती, हम आओ ब्याह तो साल रुको रहो, कब बरग न मिल रही, कब प्रीत न मिल रही, हम बड़े दुखी, भगवान कब जे बरग मिल पाऊंगे। पहले बर मिलाए जाते थे, लड़का अगर लड़का चूहा है, लड़की बिल्ली का है बर, तो शादी नहीं होती थी, पूजा होती थी, पूजा पड़ रही है, अग्नि वासा नहीं है। और अब तो पूजा को कोई मतलब ही ना है, मंदिर में पहुंचो पंडित जी को दुआ पट ब्याह पड़ेगा, पंडित जी उन्हें मिले तो बाजार में 5 रुपए बिछिया तैयार है। जब बंधन नहीं है तो वो तुम्हारा जीवन का साथ दे नहीं सकती, और आगे बढ़ना है तो माता पिता की इज्जत रखो। और मैं रोज समझाता हूं, उन बहन बेटियों से भी कहता हूं, स्कूल पढ़ने जाइए, समय से जाओ समय से आओ, कोई अगर बदतमीजी करता है तो माता पिता को बताओ, दूसरे दिन भाई ठुकाई है जा भाई। मैं एक अमापुर क्षेत्र में कथा कह रहा था, बीनपुर में, मैं सही बता रहा हूं, शाम को आंधी आई, सब पेड़ रूख टूट गए, और हमारी ढोलक धरी बाई पे गद्दी पे, जो लड़का धज जाता है जन कहते सरकटा आएगा, हो सुबह ने ढोलक को पूरा खाए और ढोसा बजे तो है ना, खाएगा सवेरे लड़का पहुंचे तो गद्दी पे ढोलक देखी, बड़ी गड़बड़,
हमने बाइक उठाई, अमापुर ले गए, उधर से आ रहा तो हमारे हिंदू समाज की दो बेटियां, उनके भाई भी साथ थे, आंधी आ गई तो लकड़ियां कटी कटाई, उन्हें काटी, साइकिल पे लाए गए, और दो लड़का मुसलमानों की, दोनों बहन आ रही थी, और चंद में एक लड़का बाके वो हीरो ही है, तो चंद में बा बिटरिया से आई लव यू घर पे ली माने, सोई बिटरिया चलना लगी कि भैया जी आई लव यू कह रहा हूं, और भैया वो ऐसे हते धीरा सुन चंद में डंडा ये चलो साइकिल पे थे मोटर साइकिल भयाई, सो एक ही डंडा में नीचे डाल लाई, आहा का बताए ऐसी पिटाई लगाई, अगर इतनी याद रही तो वे आई लव यू कतई भूल गए होंगे, क्या होती है आ? अभी गाना चलाता लड़की जेल करावेगी, हरियाणा वालों ने कितना सुंदर लिखवा दिया, अरे लड़की जेल करावेगी आया था ना, और बा में एक करी और लड़की खूब कुटवावेगी, और बे तो कम मारते घरवाए जो बात चाहते हैं भेजा दे और मारते कुटाई करते हैं। तो मेरा तो ये कहना है बहन बेटियों से और भाइयों से भी अपने माता पिता की इज्जत बरकरार रखो, किसी की बहन बेटी है बहन की तरह देखो, और बहन बेटियों आप भी भाई की तरह से देखो, अपने माता पिता की लाज बचाइए।